बातमी। आप सभी का स्वागत है। कल 5 राज्यों के चुनाव में से 2 राज्यों में प्रथम चरण का मतदान समाप्त हुआ है। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, हमारे अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी की ओर से, देश के प्रधानमंत्री जी की, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की ओर से, दोनों राज्यों की प्रथम चरण में मतदान जो हुआ है, इसलिए दोनों राज्यों की जनता का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ में भारी मात्रा में मतदान कर उन्होंने इस चुनाव में हमारे लिए शुभ संकेत दिए हैं। पश्चिम बंगाल में 84% से ज़्यादा मतदान और आसाम में 79% से ज़्यादा मतदान, ये मतदाताओं का भारी उत्साह बताता है। ये दोनों राज्य, आसाम कुछ सालों पहले और बंगाल इस चुनाव के पहले, हर चुनाव में चुनावी हिंसा के लिए जाने माने वाले राज्य हैं। दोनों जगह मतदान शांतिपूर्ण हुआ है, एक भी व्यक्ति की जान कहीं पर नहीं गई है। मैं मानता हूं ये लोकतंत्र में आने वाले दिनों के लिए दोनों राज्यों के लिए शुभ संकेत है। मित्रों, दोनों राज्यों के कार्यकर्ता, हमारे जो फील्ड में बूथ तक के पार्टी के प्रचार करने वाले प्रमुख लोग हैं और जिला स्तर और प्रदेश स्तर के हमारे नेतृत्व गण से चर्चा करने के बाद, मैं मानता हूं कि बंगाल में हम 30 में से 26 सीट से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी विजयी हो रही है और प्रचंड बहुमत के साथ सीटें जीत रही हैं। हमारी सीटें भी बड़ी मात्रा में बढ़ रही है और सीटों पर जीत का अंतर भी, मार्जिन भी बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ रहा है। जहां तक आसाम का सवाल है, 47 में से 37 सीटों से ज्यादा, 37 सीटों से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करेगी। इसके साफ संकेत भारतीय जनता पार्टी की चुनावी मशीनरी से हमें मिले हैं और मैं मानता हूं कि दोनों राज्यों ने एक सकारात्मक मतदान किया है। असम के अंदर आतंकवाद मुक्त असम, आंदोलन मुक्त असम, विकास के रास्ते पर चल पड़ा हुआ असम, रोजगारी के रास्ते पर चल पड़ा हुआ असम, इसके पक्ष में साफ मैंडेट दिखाई पड़ता है। और असम के अंदर इसके साथ साथ बाढ़ मुक्त असम के भारतीय जनता पार्टी के वादे को भी बहुत बड़ा समर्थन मिला है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में असम के अंदर जो विकास हुआ है, वहां की हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री श्री सर्वानंद सोनोवाल और हेमंत विश्व शर्मा की जोड़ी ने जिस प्रकार से अभूतपूर्व विकास असम के अंदर किया है, इसको बड़ा जन समर्थन मिलता हुआ दिखाई पड़ता है। डबल इंजन सरकार का कंसेप्ट असम की जनता को भारतीय जनता पार्टी के आचरण से समझ में आया है और ब्रह्मपुत्र नदी पर 6 से ज्यादा ब्रिज बनना, इसकी शुरुआत होना, 20,000 किलोमीटर से बड़ा रोडों का जाला बुन लेना, काजीरंगा के जंगलों की जमीन घुसपैठियों से मुक्त कराना, श्रीमंत शंकरदेव और माधवदेव के सत्र की जमीन को घुसपैठियों से मुक्त कराना, ढेर सारे विकास के काम जिसका एक सकारात्मक झुकाव भारतीय जनता पार्टी के प्रति स्पष्ट नजर आता है। और हमारे गठबंधन की 37 सीटें से कम नहीं होगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है।
दूसरी ओर बंगाल के अंदर जिस प्रकार का तुष्टिकरण का माहौल था, जिस प्रकार से बेरोक टोक घुसपैठियों का घुसना चालू रहा, जिस प्रकार से पूरा बंगाल जनकल्याण के पैसे सरकारी मशीनरी और सत्ताधारी पार्टी मिलकर हड़प करते रहे, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए, जिस प्रकार से अम्फान का रिलीफ रिहैबिलिटेशन हो या कोरोना के खिलाफ लड़ाई हो, जिस प्रकार से अव्यवस्था और अफरा तफरी देखी गई, और औद्योगिक विकास, महिला सुरक्षा, ये सब में घोर निराशा और हताशा बंगाल की जनता को प्राप्त हुई है। 27 साल के कम्युनिस्टों के शासन के बाद उनको एक आशा थी कि दीदी एक नई शुरुआत लेकर आएगी, मगर दल का चिन्ह बदल गया, दल का नाम बदल गया, बंगाल वही का वही रहा और गिरावट आई। और उस वक्त मोदी जी के नेतृत्व में हमने जो सोनार बांग्ला का एक विजन दिया है, हमने बंगाल की जनता के मन में एक आशा की जोत जगाने में हम सफल रहे हैं कि अन्य राज्यों की तरह बंगाल भी सुजलाम सुफलाम हो सकता है, बंगाल भी विकसित हो सकता है, बंगाल के अंदर भी शांति हो सकती है, बंगाल के अंदर भी तुष्टिकरण से बगैर संविधान की योजना के तहत कोई सरकार चल सकती है, बंगाल के अंदर भी धार्मिक स्वतंत्रता सभी धर्मों के लोगों को मिल सकती है। ये सारे मुद्दों को बंगाल की जनता ने मोदी जी के प्रति अथाह प्रेम और अमिट आशा के साथ स्वीकारा है। जो कार्यकर्ता चुनाव के फील्ड में थे, सुबह सुबह थोड़ी दहशत थी कि हर बार की तरह गुंडे चुनाव को प्रभावित करेंगे, प्रदूषित करेंगे, परंतु मैं चुनाव आयोग को बधाई देना चाहता हूं कि बंगाल के अंदर शांतिपूर्ण चुनाव कराने में चुनाव आयोग को सफलता मिली है। आप सभी लोग भी जानते हैं विगत कई सालों से बंगाल के अंदर चुनाव में हिंसा आम हो गई थी, आप लोगों ने उसको कवर करना भी छोड़ दिया था क्योंकि आप समझते थे वो तो होना ही है। ये पहला चुनाव सालों के बाद हो रहा है जहां एक भी व्यक्ति के मरे बगैर, एक भी बम फटे बगैर, एक भी गोली चले बगैर, एक भी बूथ में रीपोलिंग होए बगैर बंगाल का चुनाव हो रहा है। मैं मानता हूं ये बहुत शुभ संकेत है। बंगाल की महिलाओं का भी मैं विशेष आभार प्रकट करना चाहता हूं क्योंकि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है, और मैं मानता हूं कि प्रथम चरण में 26 सीटों से जो शुरुआत हुई है, हमारे लक्ष्य द्वार को सिद्ध करने सीटों के साथ बंगाल में सरकार बनाएगी, इसका मुझे विश्वास है, भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं का विश्वास है। आसाम में भी अभी जो सीटें हैं इससे ज्यादा सीटों के साथ हम पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब पूछ सकते हैं आप, मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं हो सकती, हर एक को अधिकार है अपना समर्थन जुटाने का, ममता जी भी जुटा रही है, इसमें क्या है? नहीं, मगर क्या गड़बड़ी, तृणमूल कांग्रेस के एक भी पोलिंग एजेंट ने कोई फरियाद नहीं करी है। गड़बड़ी तो पोलिंग बूथ के अंदर होती है, गड़बड़ी नहीं हुई वो उनकी कंप्लेन है, मगर वो अच्छे से बोल नहीं पाते हैं कि बोलने में थोड़ा संकोच होता है कि इस बार हम गड़बड़ी नहीं कर पाए हैं, यही कंप्लेन है उनका।
नथिंग स्पेशल, नंदीग्राम हमारे लिए एक सीट है। मैं नंदीग्राम के मतदाताओं को इतना ही कहना चाहता हूं कि बंगाल के अंदर परिवर्तन अगर करना है तो बंगाल की 200 सीटों ने परिवर्तन करना पड़ेगा। नंदीग्राम अकेला ही कर दे तो बंगाल के अंदर अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। तो मेरी बंगाल के नंदीग्राम कॉन्स्टिट्यूएंसी के मतदाताओं को अपील है कि परिवर्तन तो आपके ही हाथ में है, आप अकेले ही कर दीजिए, परिवर्तन हो जाएगा। विकास भदौरिया जी। अमित भाई, अभी तो पहले चरण का मतदान हुआ है, ऐसे कौन से संकेत हैं जिनके आधार पर आप ये एनालिसिस कर सकते हैं कि ये जो 84% मतदान आपके पक्ष में हुआ है और दूसरा यही मोमेंटम आगे भी 7 चरणों में बरकरार रहेगा? देखिए विकास जी, ये मैं तो चुनाव के पहले से कर रहा हूँ कि 200 सीटें आएगी। आप लोग कई बार मेरी बात मानते नहीं है मगर मैं बताता हूँ, 200 से ज्यादा सीटें आएगी। क्योंकि जब हम प्रचार में जाते हैं, जब संगठन के काम करने के लिए जाते हैं, बंगाल की जनता के जो उद्गार होते हैं, बंगाल की जनता की जो भावनाएं होती है, इनकी संवेदनाएं होती है, वो हमें स्पर्श करती हैं। और इससे मालूम पड़ता है कि बंगाल की जनता त्रस्त है। सभी वादे माँ माटी मानुष के खोखले साबित हुए हैं और बंगाल के अंदर पूर्ण संपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है। मेघा प्रसाद, थैंक्स। सर, आप अमित सर, आप कल अहमदाबाद में थे, कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शरद पवार जी और प्रफुल्ल पटेल जी दोनों ये सब चीजें सार्वजनिक नहीं होती है। नवजोत रंधावा, रंधावा रविंद्र सिंह जी न्यूज। रही है कि टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या करते रहे, हिंसा काफी हुई और आप कई कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की उनके परिवार से। अब बीजेपी के ही जो शामिल हो गए हैं उनसे ममता बनर्जी खुद फोन कर रही हैं कि हमें समर्थन करो, एक तरफ हिंसा और दूसरी तरफ इस तरह की अपील। आपको लग रहा है कि जमीन खिसकने का डर है या फिर अपने लोगों को वापस लेना चाहती है? जमीन खिसकने के लिए टेलीफोन कॉल का परिचायक होना जरूरी नहीं है। जमीन खिसक चुकी है, जमीन जनता ने खिसकाई है। और फिर से एक बार मैं कहता हूँ, 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार बनने जा रही है। विनीत, TV18। सर, मैं जिस तरह से पीएम बंगाल गए थे, ममता बनर्जी का कहना है कि वहां जाकर के वो प्रचार कर रहे हैं। जब बांग्लादेश के एक एक्टर ममता बनर्जी के पक्ष में प्रचार कर रहे थे तो बीजेपी ने सवाल खड़े किए थे, अब पीएम के दौरे पर ममता बनर्जी सवाल खड़े किए। भाई वो तो खड़े करे, आप काहे को कर रहे हैं? कल पीएम ने कोई बात करी है वहां पर प्रचार की? कोई बात नहीं करी। प्रधानमंत्री का दौरा है दो देशों के संबंध मजबूत करने के लिए, दो देशों के सांस्कृतिक संबंधों को रिवाइव करने के लिए। वहां पर उन्होंने ना चुनाव की बात करी है, ना ममता दीदी को कुछ कहा है, ना भाजपा के लिए कुछ कहा है। नंदिता प्रतिदिन। तृणमूल कांग्रेस बार बार आरोप लगा रही है कि आप लोग ईसी को कंट्रोल कर रहे हैं। इस संदर्भ में कल उन्होंने एक टेप भी निकाला है जिसमें आपके दो नेता बात कर रहे हैं और वो लोग डिमांड है कि उसमें जो बातचीत थी है उसी बेसिस में ईसी ने स्टेप्स लिए हैं। ऐसा है, ये बातचीत को जरा ध्यान से सुनिए। मुझे लगता है आपको ममता जी का आरोप ब्रह्म वाक्य लगता है, ध्यान से सुना नहीं है। इसमें हमारे दो नेता बात कर रहे हैं, इतनी इतनी जगह पे हमने ट्रांसफर के लिए डिमांड करनी पड़े, ये डिमांड तो हमने राइटिंग में रखी है, इसमें टैप की जरूरत नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट में लिख कर दिया है। एक नेता दूर थे, दूसरे नेता हेडक्वार्टर पे थे, वो फीडबैक दे रहे हैं कि ये कंस्टिट्यूएंसी के लिए भी कंप्लेन करो, इनके भी ट्रांसफर के लिए कहो। तो इसमें क्या कोई गोपनीय बात है ही नहीं? सवाल इसमें से होता है टैप फोन किसने टैप किया, जो आप नहीं उठाते हो और शायद अब भी नहीं उठाएंगी नंदिता जी आप, कि फोन किसने टैप किया वो सार्वजनिक करो जरा। किस प्रकार से चुनाव चल रहा है, ये क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था है फोन टैप करना विपक्ष के लोगों का? इसमें तो कुछ गोपनीय नहीं है, ये जो बात हुई है हमने ब्लैक एंड व्हाइट में टाइप कर चुनाव आयोग को दिए। क्या बम फोड़ा है उन्होंने इसमें बड़ा? आप लोगों को लगता है बड़ा कूप निकल कर आ गया? कुछ नहीं है, हमने राइटिंग में दिया है बाबा चुनाव आयोग को। मगर मूल इसके अंदर सवाल तो ये है कि फोन कैसे टैप हुआ, किसकी सूचना से हुआ, किसकी परमिशन से हुआ, और चुनाव आचार संहिता लागू हो जाने के बाद
सरकार फोन टाइपिंग की सूचना दे सकती है विदाउट कंसेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन? इसमें तो एक क्वेश्चन अराइज होता है, ये आपको तृणमूल कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछना चाहिए था। प्रेमांशु, आनंद बाजार पत्रिका। वहां चुनाव समाप्त हो चुका है, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है? कल चुनाव पैक हो चुका है, कल तक चक्रधर महतो ओपन थे। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी तभी एनकेस होती है कि किसी और से आशा बंधी हो, और मैं मानता हूं भाजपा से आशा बंधी है, इसलिए मैं उसको सकारात्मक मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मानता हूं। प्रधानमंत्री जी पर विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी की सभी सरकारों के आचरण पर विश्वास है, बंगाल की जनता जी। जरा माइक ले लीजिए सर। जिन जगहों पर अभी चुनाव होना बाकी है, वहां पंचायत चुनाव और लोकसभा चुनाव में देखा गया था कि हिंसा हुई थी, तो क्या लग रहा है इस बार पूरी तरह से बंगाल में हिंसा की खबरें सामने नहीं आएंगी? पहली बार ऐसा चुनाव होने जा रहा है पश्चिम बंगाल में? मैं तो आशा करता हूं नहीं आएगी और नहीं आना चाहिए। अगला सर। सर, आई एम आस्किंग अबाउट केरला। केरल की सरकार ने अब ये जुडिशियल इंक्वायरी लॉन्च किया है सेंट्रल एजेंसी के खिलाफ। इसके अलावा वो क्या कर सकते फेस सेविंग के लिए? गोल्ड स्कैम में उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी पकड़े जाने के बाद उनके पास और कोई चारा ही नहीं है, तो बहुत नेचुरल रिएक्शन है। मुझे इसमें आश्चर्य नहीं हो रहा है, ये फेस सेविंग की कोड़ी एक्सरसाइज है। नीलू रंजन, दैनिक जागरण। नहीं, जनता की जागृति इतनी है कि जनता से हिंसा करने वाले डरते हैं। पीला भट्ट बोलिए। शीला भट्ट फ्रॉम दैनिक भास्कर ऑनलाइन। अमित भाई, एक दिल्ली मीडिया में ऐसा माहौल है जो समझने वाले और जो ग्राउंड विजिट करके आए हैं कि इस वेस्ट बंगाल इलेक्शन बहुत रोचक है, लेकिन इस वक्त उसके एनालिसिस में माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का मोमेंटम है, लेकिन ममता बनर्जी भी अपना दम दिखा रही है और टीएमसी की एज है। इस दिल्ली का मीडिया हमेशा से परिवर्तन भांपने में असफल रहता है। आपको यूपी के दो लड़के भी जीतते हुए दिखाई पड़ते थे, आपको उत्तराखंड में भी परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ता था, आपको आसाम, मणिपुर और त्रिपुरा में भी परिवर्तन नहीं। मुझे लगता है और जमीन पर दिल्ली के मीडिया को जाने की जरूरत है, आप भी जाइए जरा। अंतिम सवाल है पीछे। क्या ये क्या? आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस चल ठीक है, वो उनका अनुमान हो सकता है, मगर जो मेरा अनुमान गलत है तो उनको जवाब देने की शायद जरूरत नहीं थी। धन्यवाद।